नमस्ते, मैं हूं प्रवीण सोनी। आरपीटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आरपीटीवी न्यूज़ के लेटेस्ट अपडेट और खबरें देखने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और वहीं पास ही में बेल आइकॉन को दबाइए। निमाड़ रेंज खरगोन के DIG श्री हरि नारायण चारी मिश्र आज अपने पहले बड़वानी जिले के दौरे पर आए। अपने यहाँ जिला मुख्यालय के थाने में निरीक्षण कर विभिन्न जानकारियां प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में श्री मिश्र ने बताया कि पुलिसिया के महत्वपूर्ण पैमाने जनता से सीधा संवाद तथा शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करना होता है। उन्होंने जिले में पुलिस के कार्यों को अच्छा बताया। निमाड़ रेंज के में कानून व्यवस्था तथा नगर सुरक्षा समिति को सक्रिय करने के बारे में पूछे प्रश्नों का जब भी जवाब दिया। ये बड़वानी का मुख्य तौर पर मेरा पहला दौरा था और मुख्य तौर पर हम लोग जानते हैं कि जैसे पुलिसिंग के जो सबसे बड़े जो महत्वपूर्ण पैमाने हैं कि कुछ जनता से सीधा संवाद हो और किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में जब पुलिस के पास कोई शिकायत आती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई हो, ये दो महत्वपूर्ण कसौटी हैं और बड़वानी में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है इन दोनों कसौटियों पर। मुख्य तौर पर पुलिस की जो आने वाली जो चुनौतियाँ हैं, मुख्य तौर पर जो कार्रवाइयाँ हैं, जो एक्सीडेंट्स की संख्या है, पुलिस की लगातार कोशिश है कि जो मामले चल रहे हैं, जो चिन्हित अपराध हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाई जाए, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और एक मजबूत टीम यहाँ पर अच्छी टीम काम कर रही है और पुलिसिंग में और ज़्यादा हम और बेहतर ढंग से कैसे परिणाम दें इस पर चर्चा। निमाड़ इसको लेकर सर आप क्या सुधार करेंगे? मुख्य तौर पर कानून व्यवस्था की पहली फर्त है कि पुलिस और जनता के बीच में एक बेहतर संवाद हो। एक सूचना का या समान तौर पे जो भी एक जनता की जो नब्ज होती है, जो संवेदनशीलता होती है, उसको पुलिस पहले थापे, एक संवाद के जरिए उस समस्या तक जड़ तक पहुँचे। पुलिस उसमें लगातार प्रयास कर रही है, कहीं भी कोई ऐसी समस्या गंभीर नहीं है। समान तौर पे जो प्रारंभिक समस्याएं हैं, पुलिस ने बड़ी सफलता से हर जगह जा कर के प्रारंभिक तौर पर ही इस समस्या को निपटाया है और मैं खुशी है कि बड़ी एक अच्छी टीम काम कर रही है और किसी भी इस तरह की कोई बड़ी चुनौती अभी सामने नहीं है। नगर सुरक्षा समितियां सर काफ़ी समय से निष्क्रिय पड़ी हुई है, उनको पुनर्जीवित करने के लिए और उनका उपयोग करने के लिए सर और निश्चित तौर पर रक्षा समितियां एक जनता से संवाद का एक सशक्त माध्यम होती हैं, इसलिए उनको सक्रिय करना आवश्यक है। अधिकांश जगहों पर सक्रिय हैं, अगर कहीं ऐसा उस पर चर्चा की जाएगी, लगता है कि कहीं उसको पुनरीक्षण करने की जरूरत है, उनको नए सिरे से गठन करने की जरूरत है, तो उस पर अपनी हम टीम से चर्चा करें।